आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? सर, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कॉन्शियस रैप, बिकॉज देयर वाज अ रैपर कॉल्ड इमॉर्टल टेक्निक. मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ फॉर द रीजन कि मेरे लिए बहुत नया था कि कोई ऐसा जॉनरा है जो सोशल इश्यूज के बारे में बोल पा रहे इतना ओपनली. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इमॉर्टल टेक्निक सुना तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ. बादशाह भाई, ही इज वन ऑफ द फ्यू रैपर्स कॉन्शियस हिप हॉप जो कर रहे हैं अभी भी. ओह, यू नो हिम? या एब्सोल्युटली, आई नो. ऑसम. Someone like Immortal Technique ने नहीं सोचा होगा कि इंडिया में, हिमाचल में, एक सोलन करके जगह है छोटी सी, जहां पे एक लड़का उनका सुनकर इंस्पायर होगा और हसल 03 रिप्रेजेंट पे आएगा. बट आई एम सो हैप्पी टू सी यू. थैंक यू. आप सोलन से आ रहे हो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. लेट्स गो. थैंक यू. थैंक यू सो मच. 10,000 में से 4,000 तो आमतौर पर दाम, 3-4,000 बच्चों के खर्चों में, स्कूल की फीस और बिजली के पर्चों में, बाकी सारा ये कहाँ उड़ाती है समझ नहीं आता. ये बासी जो परसों का खाना खिलाती है, फीका तड़कती है पानी या सरसों में, और मीठे में मिलती बस मुझको खटास. उदासी है मालिक की, निकले मुलाजिम पे बिके भड़ास. अबे जाती कहाँ है आपास, अभी तो बाजू टूटेगी, आंखें नीली और तू कम नहीं सूझेगी, चमड़े की बैट से चमड़ी उधड़ेगी, लंगड़ी च... मुझे नहीं पता ये किस रेडियो पे चलेगा, लेकिन ये रेडियो पे चलना मांगता है. दिस इज अ रेडियो. When you were writing this, what did you exactly have in your mind? I'm blessed to have such a wonderful family. But ये चीज़ मैंने सोसाइटी में बहुत करीब से देखी है. एक बार कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जो मेरे को बहुत अफेक्ट किया. देन आई रियलाइज कि मैं कॉन्शियस रैप की बात करता हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैंने कभी आवाज़ नहीं उठाई. बिकॉज दादा ने दादी को पीटा था. ये चेन चलती जाती है. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आगे टूटती नहीं है. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू एजुकेट पीपल, और मैं चाहता था कुछ अलग तरीके से करूँ. तो मैंने अब्यूज़र के माइंड सेट से वो लिख के कोशिश करी कि लोग समझे इस चीज़. ब्रिलियंट. क्रेजी स्टोरी टेलिंग मैन. क्रेजी स्टोरी टेलिंग. थैंक यू. थैंक यू. जो आपने लिखा ना ब्रो, मैंने ना ये अपने सामने देखा है सब कुछ. इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है. यस. Yes. पर बात नहीं होती इसके बारे में. ट्रू. मेरी हिम्मत कभी कभी नहीं बढ़ती कि मैं इसके बारे में बोलूं, क्योंकि मैंने वो महसूस करा है और मैं उस एक्सपीरियंस को वापस से एक्सपीरियंस नहीं करना आता. सल्यूट है ब्रो आपने कि आपने इस टॉपिक को चुना और आपने इसके बारे में बात करी. बस यार, ब्लेसिंग्स हैं ब्लेसिंग्स. क्या करा तूने, मेरे को छू गया मेरे को यार. थैंक यू सो मच. आई थिंक वो डांस विद द डेविल वाला वाइब पूरा आया मुझे. मैंने जब पहली बार वो गाना सुना था, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे. उसमें भी वो अब्यूजर के पर्सपेक्टिव से फिर स्विच करके ऐसे बुरा उसने किया है. लिटरली द लेफ्ट साइड ऑफ माई ब्रेन वॉज गूस बम्प्स ब्रो. ग्रेट जॉब. ग्रेट जॉब सेटिंग द बार ऑन दिस स्टेज लिरिकली और शोमैनशिप के साथ एक्टिंग लेके आना स्टेज पे. बट इतना डार्क चीज़ को जस्टिफाई करना कि वो सूडो ना लगे बिल्कुल भी, आपने वो किया है. बहुत हक है आपको कि आपको 3 माइक ड्रॉप्स मिले. किसने नहीं दिया? मैंने नहीं दिया. व्हाई डिनो? आपकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी पता नहीं क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. आई डोंट नो व्हाई. ओके. ऐसा लग रहा था शायद कन्विंस नहीं है क्या करने में. एंड में जब आपने बोला कि नहीं यार ये शायद मेरे कहीं से आ रहा है. अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे गूज़बम्स आए, लेकिन तब तक मैं लेट हो गया था. बट आई वॉन्ट टू गिव यू अ माइक ड्रॉप नाउ. A super mic drop now. Why? Thank you so much. क्योंकि technically show के हिसाब से 20 seconds late हुआ हूँ शायद मैं. लेकिन उसके बाद मैं आपसे connect होना ज़्यादा शुरू किया मैंने. So hats off bro, all the best. I absolutely love it. ये मेरा zone है, you know it. Yeah. You know ये मैं करता हूँ. More power. Thank you so much. जितनी clarity से Dino comments देते हैं, इतनी clarity मेरी life में होती, मैं कहीं से कहीं पहुँच जाता हूँ.